पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। अखिलेश यादव और अमित शाह मिले हुए हैं, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा। उन्होंने कहा कि अमित शाह को पता है उनका खेल और कहानी खत्म हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के झूठ से ये तंग देश आ चुका है। और उन्होंने कहा कि अमित शाह को कश्मीर का आतंकवाद खत्म करना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मैनाठेर स्थित कोतवाली थाने के पास कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का स्वागत किया गया था। अमित शाह जी को ये पता है कि उनका खेल खत्म होने जा रहा है, उनकी कहानी खत्म। भारतीय जनता पार्टी के झूठ से ये देश तंग आ चुका है, बहुत दुखी है, और देश की जनता अब इनके किसी भी ऐलान पर, किसी भी बात पर, किसी भी बयान पर यकीन करने को तैयार नहीं है। इन्होंने देश को धोखा दिया है, देश की जनता ये समझ चुकी है। अब अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, अमित शाह क्या कहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। अमित शाह को यहाँ नहीं कुछ कहना चाहिए, कश्मीर में कहना चाहिए, उन्हें वहाँ का आतंकवाद ख़त्म करना चाहिए, नक्सलवाद ख़त्म करना चाहिए, माओवाद ख़त्म करना चाहिए, पूरे देश की एकता के लिए काम करना चाहिए। वो खामू खां की लफाजी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, शाह ने साफ कह दिया अगर 2024 में मोदी जी को पीएम बनाना है तो योगी जी को 2022 में सीएम बनाना पड़ेगा। देखिए, पीएम बनाने का काम और सीएम बनाने का काम देश की जनता का है, प्रदेश की जनता का। अमित शाह जी अपने आप को भगवान ना समझें, देश की जनता ही जनार्दन है और देश की जनता ये फैसला कर चुकी है कि बीजेपी की इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। अखिलेश यादव जी और अमित शाह मिले हुए हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।